मथुरा में रेमडेसिविर इंजेक्शनों को लेकर सीएमओ ने अपना बयान किया जारी। विगत दिनों पूर्व इंजेक्शनों को लेकर मरीज के तीमारदारों ने सीएमओ पर लगाया था इंजेक्शनों की कालाबाजारी का आरोप। इसी को लेकर विगत दोनों पूर्व तीमारदारों ने सीएमओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद मथुरा सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता अपनी सीट छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद भी लगातार इंजेक्शनों को लेकर हंगामे की स्थिति सीएमओ कार्यालय थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी को लेकर आज मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने एक बयान जारी किया है। इस बयान के अनुसार केडी मेडिकल हॉस्पिटल एवं केएम में भर्ती कोरोना के मरीजों को मुफ्त में इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अन्य कोविड 19 के रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों को 1800 रुपए में मथुरा के सीएमओ कार्यालय से इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इसी संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने बताया। मथुरा संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। हमारे यहाँ मथुरा जनपद में रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मेरी जनमानस से अपील है कि हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस के स्टोर में 1800 रुपए प्रति इंजेक्शन देकर रेमडेसिविर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन रेमडेसिविर उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो कि किसी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उसमें भर्ती हों, उन्हीं लोगों को रेमडेसिविर दी जाएगी। और इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण, डॉक्टर का पर्चा, आधार और उनके सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट, इन चार प्रपत्रों की आवश्यकता है। ये पेपर्स लेके कोई भी 1800 रुपए पेमेंट करके हमारे सीएमओ ऑफिस के स्टोर से रेमडेसिविर प्राप्त कर सकते हैं। और केडी मेडिकल कॉलेज और केएम मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ से रेमडेसिविर मुफ्त में दिए जाते हैं, जो कि हमारी सरकार हमें देती है और वो मेडिकल कॉलेजों के लिए होते हैं, और वहाँ जो भी मरीज भर्ती हैं उनको मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको किसी तरह का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है।